बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल स्टडी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसल न्यूक्लियाई आर कन्वेंशनली कॉल्ड बेसल गैंग्लिया। अच्छा, हमें पहले से पता है कि द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूक्लियाई व्हाइल आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लिया। लेकिन कन्वेंशनली इसको लोग गैंग्लियाई कहते चले आ रहे हैं, सो वी ऑल्सो यूज द टर्म बेसल गैंग्लिया फॉर इट। टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेसल न्यूक्लियाई के कॉन्सेप्ट्स में। सो फर्स्ट हम वी विल गो फॉर द टर्मिनोलॉजीज। इसमें है व्हाट इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्यूटामिन एंड ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे रखते हैं, वो जो घरों में गैस याद यूज होता है उसको हम कहते हैं LPG। तो इस एलपीजी के जरिए आप ये याद सकते हो, दैट इज एल फॉर लेंटिफॉर्म, पी फॉर प्यूटामिन एंड जी फॉर ग्लोबस पैलिडस। सो मेमोराइज इट बाय LPG। द सेकंड वन इज न्यू स्ट्राइटम, और इसको हम सिंपली स्ट्राइटम ही कहते हैं, और हम आगे जितने भी डिस्कशन करेंगे हम न्यू स्ट्राइटम को स्ट्राइटम ही बोलेंगे, और इसको हम एक होटल के नाम से याद करते हैं, दैट इज PC। सो पी इज फॉर प्यूटामिन एंड सी इज फॉर ऑडेट। सो व्हेनेवर you are asked about what is new stratum or stratum, so remember PC, putamen and caudate, while for lentiform nucleus remember LPG. LPG means lentiform, P for putamen, G for globus pallidus. Now let's come to corpus striatum. Corpus striatum में ऊपर आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है वो सारे इसमें डाल दे, putamen, globus pallidus, caudate, all these combines corpus striatum. So once again saying that in this discussion we will use the term striatum for putamen and caudate. We will discuss the most important concept, that is the concept of direct and indirect pathway. अच्छा, इसको समझने के लिए बस आप ये concept याद रख के कि जो भी fiber cortex से निकलेगा या thalamus से cortex को जाएगा वो होगा excitatory, और जो cortex से निकले हुए fibers के बाद जो दो consecutive fibers होंगे या दो consecutive neurons होंगे वो होंगे inhibitory. Now let's summarize this concept. I will draw these excitatory fibers with green. So the fiber coming out of the cortex is excitatory, and the fiber going to the cortex from the thalamus is excitatory. Now let's come to the inhibitory concept. So maine aapko bataya ke first excitatory ke baad jo do consecutive neuron honge wo dono honge inhibitory. तो अगर स्ट्राइटम से ग्लोबस पैलिडस इंटरना एक न्यूरॉन आता है तो ये होता है इनहिबिटरी, और अगर ग्लोबस पैलिडस इंटरना से थैलेमस आता है तो ये होगा इनहिबिटरी. नाउ ये सोचें, अगर ये कॉर्टेक्स का एक्साइटेटरी न्यूरॉन एक्साइटेट करे इस इनहिबिटरी न्यूरॉन को जो ग्लोबस पैलिडस इंटरना पे आता है, और ये इनहिबिटरी न्यूरॉन फर्दर इनहिबिट करे उस इनहिबिटरी न्यूरॉन को जो थैलेमस पे आता है, तो थैलेमस इस सारे इनहिबिशन से बच जाएगा और उसका ओवरऑल इफेक्ट कॉर्टेक्स पे एक्साइटेटरी हो जाएगा. इस पाथवे को हम डायरेक्ट पाथवे कहते हैं, और इसलिए डायरेक्ट पाथवे एक्साइटेटरी पाथवे है. अच्छा, इस पाथवे में सिमिलरली फाइबर सब्सटेंशिया नाइग्रा, आर का मतलब है रेटिकुलरिस, तो पार्स रेटिकुलरिस को आता है और उससे थैलेमस को, तो ये डायरेक्ट पाथवे का हिस्सा है. तो वंस अगेन फाइबर्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द स्ट्राइटम, स्ट्राइटम से नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं inhibitory. So the overall effect of this pathway is excitatory, and this is direct pathway. Now we will use a different color for the indirect pathway. Indirect pathway mein once again the fibers coming from the cortex to the striatum are excitatory. Iske aage jo do consecutive neuron honge wo honge inhibitory. So तो कंसेक्यूटिव न्यूरॉन दो कौन से होंगे, लेट्स ड्रॉ देम विद अ डिफरेंट कलर. एक हो गया ये और एक हो गया ये. ठीक है, तो ये सबथैलेमिक न्यूक्लियाई तक इस फॉर्मेट में आते हैं. अच्छा, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई से फिर फाइबर्स जाते हैं सबस्टांशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस को, और वो फाइबर्स होते हैं एक्साइटेटरी. सो यहां तक ये पाथवे बिल्कुल उसी तरह जा रहा है जिस तरह डायरेक्ट पाथवे जा रहा था. अब आप ये सोचें कि अगर ये एक्साइटेटरी फाइबर सब
सब्सटेंशिया नाइग्रा रेटिकुलरिस के इनहिबिटरी फाइबर को एक्टिवेट करता है, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट थैलेमस पे इनहिबिटरी होगा, और अगर ये इनहिबिटरी होगा तो थैलेमस कॉर्टेक्स को एक्साइटेट नहीं करेगा, और इनमें जो फाइबर कॉर्टेक्स को जाते हैं वो होंगे इनहिबिटरी फाइबर्स। ठीक है, तो लेट्स वंस अगेन समराइज। इनडायरेक्ट पाथवे, कॉर्टेक्स एक्साइटेटरी फाइबर्स आ गए स्ट्राइटम में। हमने कहा था कि इसके बाद जो दो कंसेक्यूटिव फाइबर होंगे वो इनहिबिटरी होंगे, तो पहला इनहिबिटरी फाइबर ग्लोबस पेरिस एक्टर्ना और द अदर इनहिबिटरी फाइबर सबथैलेमिक न्यूक्लियाई में एट द इन सबथैलेमिक न्यूक्लियस इज एक्साइटेटेड। द एक्साइटेटेड सबथैलेमिक न्यूक्लियस एक्साइटेड द इनहिबिटरी न्यूरॉन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा रेटिकुलरिस। दिस इनहिबिटरी न्यूरॉन इनहिबिट द थैलेमस एंड थैलेमस से कॉर्टेक्स एक्साइटेट नहीं होता, तो डायरेक्ट हो गया एक्साइटेटरी और इनडायरेक्ट हो गया इनहिबिटरी। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा जो है ये डोपामिनर्जिक फाइबर्स देता है डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे को। तो डायरेक्ट पाथवे पे ये थ्रू D1 रिसेप्टर एक्ट करता है और इनडायरेक्ट पाथवे पे थ्रू D2 रिसेप्टर एक्ट करता है। हमने कहा था कि हमारे साथ जितने भी टू फाइबर्स हैं वो सारे हैं इनहिबिटरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा इज इनहिबिटरी टू इनडायरेक्ट पाथवे एंड एक्साइटेटरी टू डायरेक्ट पाथवे। इट्स ऑल फॉर पाथवे, होप यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। As we have studied, okay, the overall effect of direct pathway is stimulatory or indirect ka inhibitory hai. So, inhibitory, indirect. ठीक है? अच्छा, second concept भी याद रखें कि major excitatory neurotransmitter जो brain का है वो है glutamate और major inhibitory जो है वो है GABA. तो सबसे ज्यादा glutamate होगा excitatory में और brain में सबसे ज्यादा inhibitory GABA होगा. ठीक है? Excitatory glutamate, inhibitory GABA. और ये याद रखें कि स्पाइनल कॉर्ड में सबसे ज्यादा इनहिबिटरी ग्लाइसिन होता है। नाउ रिमेंबर दैट फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो भी रिसेप्टर 2 होगा वो होगा इनहिबिटरी। सो वेदर दैट इज M2, सॉरी फॉर माय M, विद दिस अल्फा 2 और बीटा 2, ऑल दीस फाइबर्स आर इनहिबिटरी। सिमिलर वे D2 इज इनहिबिटरी। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है कि the balance of activity between direct and indirect pathway is by dopamine, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया। The clinical correlation, तो हमें पहले से पता है कि जो हमारा डायरेक्ट पाथवे है वो है एक्साइटेटरी। तो अगर आप एक्साइटेटरी पाथवे को खराब कर लो तो सारे मूवमेंट्स हाइपोकाइनेटिक हो जाएंगे, और द बेस्ट एग्जाम्पल जो है इसका वो है पार्किंसन डिजीज। दूसरा है हमारे साथ इनडायरेक्ट पाथवे। तो इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिटरी, अगर आप इनहिबिटरी को खराब कर दो तो मूवमेंट हाइपर हो जाएंगे, दैट इज हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट एंड दैट इज करैक्टराइज्ड बाय एन ओवर एक्टिव कॉर्टेक्स। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट है कोरिया। तो कोरिया के बारे में आप याद रखें कि ये जर्की मूवमेंट्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस, अनकंट्रोलेबल और पर्पजलेस होते हैं। तो कोरिया के सी को देखो और कॉर्डेट के सी को देखो, तो कोरिया विल बी कॉज बाय द लीजन इन द कॉर्डेट न्यूक्लियस। अच्छा, एथिटोसिस है, तो ये रिथिंग सर्पेंटाइन लाइक स्नेक लाइक मूवमेंट्स होते हैं, मेनली इन द अपर लिम्स होते हैं, और ये ग्लोबस पैलेटिस की लीजन की वजह से होता है। ठीक है, दूसरा है हेमिबिलिस्मस। तो हेमिबिलिस्मस के नाम को देखो, तो इट इज जस्ट लाइक सबथैलेमस, सबथैलेमस। सो द लीजन ऑफ सबथैलेमस इज कॉल्ड विल कॉज हेमि बेलेस्मस। तो वंस अगेन कोरिया, कॉर्डेट, एथिटोसिस, ग्लोबस पैलेटिस, हेमिबिलिस्मस, सबथैलेमस। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इंशाल्लाह विल अपलोड नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।